कोरोना वायरस फैलने का खदशा बरकरार है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने सूरत हाल का जायजा लेना शुरू कर दिया है। स्कूलों में छुट्टियों के हवाले से मुतालिका इदारों की मुशावरत से फैसला किया जाएगा। जी बिल्कुल, ये फैसला मुशावरत से ही होगा और कोरोना वायरस से मुतालिक ताहाल कोई इजलास तलब नहीं किया गया है। स्कूल एजुकेशन इंतजामिया की जानिब से ये भी कहा गया है कि विफाकी और सूबाई इदारों से मुशावरत का सिलसिला अभी भी जारी है। अपडेट करते चले, कोरोना वायरस के फैलने का खदशा है और इस खदशे के पेश नज़र महकमा स्कूल एजुकेशन ने सूरत हाल का जायजा लेना शुरू कर दिया। स्कूल्स में छुट्टियों के हवाले से मुतल्लिका इदारों की मशावरत से ही फैसला किया जाएगा। कोरोना वायरस से मुतल्लिका हाल कोई इजलास तलब नहीं किया गया है। स्कूल एजुकेशन की जानिब से बताया गया है, वफाकी और सूबाई इदारों से मुशावरत का सिलसिला जारी है। कोरोना वायरस फैलने का खदशा बरकरार है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने सूरत हाल का जायजा लेना शुरू कर दिया है। स्कूलों में छुट्टियों के हवाले से मुतालिका इदारों की मुशावरत से फैसला किया जाएगा। जी बिल्कुल, ये फैसला मुशावरत से ही होगा और कोरोना वायरस से मुतालिक ताहाल कोई इजलास तलब नहीं किया गया है। स्कूल एजुकेशन इंतजामिया की जानिब से ये भी कहा गया है कि विफाकी और सूबाई इदारों से मुशावरत का सिलसिला अभी भी जारी है। अपडेट करते चले, कोरोना वायरस के फैलने का खदशा है और इस खदशे के पेश नज़र महकमा स्कूल एजुकेशन ने सूरत हाल का जायजा लेना शुरू कर दिया। स्कूल्स में छुट्टियों के हवाले से मुतल्लिका इदारों की मशावरत से ही फैसला किया जाएगा। कोरोना वायरस से मुतल्लिका हाल कोई इजलास तलब नहीं किया गया है। स्कूल एजुकेशन की जानिब से बताया गया है, वफाकी और सूबाई इदारों से मुशावरत का सिलसिला जारी है। कोरोना वायरस फैलने का खदशा बरकरार है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने सूरत हाल का जायजा लेना शुरू कर दिया है। स्कूलों में छुट्टियों के हवाले से मुतालिका इदारों की मुशावरत से फैसला किया जाएगा। जी बिल्कुल, ये फैसला मुशावरत से ही होगा और कोरोना वायरस से मुतालिक ताहाल कोई इजलास तलब नहीं किया गया है। स्कूल एजुकेशन इंतजामिया की जानिब से ये भी कहा गया है कि विफाकी और सूबाई इदारों से मुशावरत का सिलसिला अभी भी जारी है। अपडेट करते चले, कोरोना वायरस के फैलने का खदशा है और इस खदशे के पेश नज़र महकमा स्कूल एजुकेशन ने सूरत हाल का जायजा लेना शुरू कर दिया। स्कूल्स में छुट्टियों के हवाले से मुतल्लिका इदारों की मशावरत से ही फैसला किया जाएगा। कोरोना वायरस से मुतल्लिका हाल कोई इजलास तलब नहीं किया गया है। स्कूल एजुकेशन की जानिब से बताया गया है, वफाकी और सूबाई इदारों से मुशावरत का सिलसिला जारी है। कोरोना वायरस फैलने का खदशा बरकरार है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने सूरत हाल का जायजा लेना शुरू कर दिया है। स्कूलों में छुट्टियों के हवाले से मुतालिका इदारों की मुशावरत से फैसला किया जाएगा। जी बिल्कुल, ये फैसला मुशावरत से ही होगा और कोरोना वायरस से मुतालिक ताहाल कोई इजलास तलब नहीं किया गया है। स्कूल एजुकेशन इंतजामिया की जानिब से ये भी कहा गया है कि विफाकी और सूबाई इदारों से मुशावरत का सिलसिला अभी भी जारी है। अपडेट करते चले, कोरोना वायरस के फैलने का खदशा है और इस खदशे के पेश नज़र महकमा स्कूल एजुकेशन ने सूरत हाल का जायजा लेना शुरू कर दिया। स्कूल्स में छुट्टियों के हवाले से मुतल्लिका इदारों की मशावरत से ही फैसला किया जाएगा। कोरोना वायरस से मुतल्लिका हाल कोई इजलास तलब नहीं किया गया है। स्कूल एजुकेशन की जानिब से बताया गया है, वफाकी और सूबाई इदारों से मुशावरत का सिलसिला जारी है।